क्या आप जानते हो कि मेडिटेशन योगा आदि करने के लिए कुछ खास तरह की हैंड मुद्राओं का यूज किया जाता है जिनका सीधा संबंध हमारी बॉडी माइंड और सोल से होता है क्योंकि ये मुद्राएं सीधे ही हमारे माइंड के विचारों को और बॉडी की एनर्जी को एक खास तरह से तुरंत के तुरंत ही ऑर्गेनाइज करना शुरू कर देती है जिसके बेस पर ही किसी का योगा और मेडिटेशन पूरी तरह से सफल हो पाता है। जिनमें से कुछ मुद्राएं तो इतनी कीमती है जिनका हर किसी को पता होना ही चाहिए जो कि लाइफ में हर दिन आपका साथ तो देंगी ही साथ ही आपको वह सब अचीव करने में भी मदद करेगी जो भी आप करना चाहते हो। इसलिए अब अगर पहली मुद्रा की बात करें तो इसके अंदर यही सबसे कीमती ज्ञान की मुद्रा आती है जिसको सभी लोग आमतौर पर मेडिटेशन और योगा के लिए प्रयोग करते हैं जिसको करने के लिए आपको केवल अपने अंगूठे को पहली उंगली के टॉप से टच कराना होता है और ऐसा करते ही आपके माइंड के विचारों को शांत करना शुरू कर देती है और आपके अंदर उस स्पेस को बनाने लगती है जिसमें आप उस कीमती ज्ञान को समा सके जिसकी आपको जानने की सबसे पहले जरूरत होती है। और साथ ही ये हैंड मुद्रा किसी को कमाल की कंसंट्रेशन पावर और मेमोरी भी देती है जिसकी मदद से कोई भी अपने किसी भी काम पर पूरी तरह से फोकस कर सकता है और जब कोई पूरे फोकस के साथ किसी काम को करता है तो उसकी मेमोरी तो शार्प हो ही जाती है और उसको वह हर छोटी से छोटी चीज भी हमेशा के लिए याद रहने लगती है जो भी उसने कभी सोची हो समझी हो या याद करने की कोशिश की हो। इसलिए इस मुद्रा का यूज करना सबके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। और अब अगर अगली मुद्रा की बात करें तो यह हैंड मुद्रा बुद्धि मुद्रा कही जाती है जिसको बनाने के लिए अंगूठे और छोटी उंगली को टॉप से टच करना होता है और इस मुद्रा का यूज मेंटल क्लियरिटी के लिए किया जाता है जिसको करने से कोई भी अपनी बुद्धि को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकता है क्योंकि जब भी कोई इस मुद्रा को करना शुरू करता है तो यह मुद्रा उसके ब्रेन के उस हिस्से को एक्टिवेट करना शुरू कर देती है जिससे वह अपने लिए उन कीमती विचारों को भी पकड़ने में सक्षम हो जाता है जिसकी उसको इस टाइम में सबसे ज्यादा जरूरत होती है। जैसे अगर आपको कभी लाइफ में कुछ समझ ही ना आ रहा हो कि अब आपको क्या करना चाहिए तो आप इस मुद्रा को करना शुरू कर सकते हैं जिसके बाद आपको यह प्रकृति सीधे ही आपके पास इन सॉल्यूशंस वाले विचारों को भेजना शुरू कर देती है जिनको कभी वह आपको आपके सपनों के माध्यम से बताने की कोशिश करेगी तो कभी वह आपको सीधे ही किसी आइडिया या विचार के माध्यम से बता देगी। और साथ ही यह मुद्रा उन लोगों के लिए भी सबसे बेस्ट होती है जिनको अपने विचारों को सही से एक्सप्रेस करना नहीं आता है क्योंकि वे सोच कुछ रहे होते हैं और बोल कुछ और रहे होते हैं जबकि बोलना वे कुछ और ही चाह रहे होते हैं और इस प्रकार वे अर्थ का अनर्थ कर बैठते हैं और फिर इस कारण से खुद को ही गिल्टी महसूस करते रहते हैं कि लोग उनकी बातों को सही से क्यों नहीं समझ पाते हैं या वे अपनी बातों को किसी को सही से क्यों नहीं समझा पाते हैं। तो ये सब बेनिफिट इस बुद्धि मुद्रा के किसी को होते हैं जो भी इसको करना शुरू कर देता है। और अब अगर अगली कीमती मुद्रा की बात करें तो यह मुद्रा वायु मुद्रा कहलाती है और इसको करने के लिए आपको पहली उंगली को मोड़कर उसको अंगूठे से दबाकर रखना होता है। और अगर इस मुद्रा के फायदों की बात करें तो मैं इसको सबसे कीमती मुद्रा ही कहना चाहूंगा क्योंकि यह मुद्रा शरीर में एयर एलिमेंट को कंट्रोल करती है क्योंकि यह एयर एलिमेंट ही शरीर के सारे जोड़ों में दर्द पैदा करता है और साथ ही यही हार्ट के पास होने वाले भारीपन का भी जिम्मेवार होता है जिसको आमतौर पर लोग हार्ट प्रॉब्लम ही समझने लगते हैं जबकि हार्ट के पास का यह भारीपन इसी एयर या गैस के कारण ही पैदा होता है और यह मुद्रा हर तरह की गैस और एयर से रिलेटेड प्रॉब्लम को तुरंत के तुरंत ही दूर करने लगती है और किसी को भी बहुत सी मानसिक और शारीरिक बीमारियों से बड़ी ही आसानी से बचा लेती है। और अब अगर अगली कीमती हैंड मुद्रा की बात करें तो यह मुद्रा शून्य मुद्रा कहलाती है जिसको करने के लिए आपको दूसरे नंबर वाली सबसे बड़ी उंगली को नीचे की तरफ मोड़कर उसको ऊपर से अंगूठे से दबाकर रखना होता है और जैसे ही कोई इस मुद्रा को करता है तो उसको मेंटल लेवल पर बड़े ही काम के फायदे होने लगते हैं क्योंकि इस मुद्रा के कारण ही किसी को अपने दिमाग के सारे फालतू विचारों से तुरंत के तुरंत ही छुटकारा मिलना शुरू हो जाता है और वह एक तरह के शून्य में प्रवेश करने लगता है और तब उसके पास केवल वे ही कीमती विचार बचते हैं जिनको वह खुद के लिए ही कहीं ना कहीं खोज ही रहा होता है। और साथ ही इस मुद्रा को करने से उसकी सारी इंद्रियां भी प्योर होने लगती है और उसके देखने सुनने महसूस करने की क्षमताएं और भी ज्यादा शार्प होने लगती है जिसके कारण ही उसकी अलर्टनेस इतने कमाल की हो जाती है कि उसको खुद के दिमाग में आने वाले हर विचार को भी देखना पूरी तरह से पॉसिबल हो जाता है और वह अपने आप को इस दुनिया में सारी ड्यूटी निभाते हुए भी काफी हल्का और टेंशन फ्री हर टाइम महसूस करने लगता है। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी सारी टेंशन और परेशानी शून्य हो जाए तो आप भी शून्य मुद्रा का सहारा जब चाहे तब ले सकते हैं। और अब अगर अगली कीमती मुद्रा की बात करें तो इस मुद्रा को प्राण मुद्रा कहा जाता है जिसको करने के लिए आपको अपने अंगूठे और अपनी लास्ट वाली दोनों उंगलियों के टॉप से ही टच करना होता है
और अब अगर इसके फायदों की बात करें तो इसका अंदाजा तो आप इसके नाम से ही लगा सकते हैं कि यह प्राण ऊर्जा का संचार बॉडी में इस तरह से कर देती है कि आलसी लोग भी इस मुद्रा से पैदा हुई एनर्जी के कारण बहुत कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि यह मुद्रा शरीर के अंदर वैसी ही एनर्जी को पैदा करना शुरू कर देती है जैसी किसी को एक्सरसाइज करने के बाद मिलती है। और इसी एनर्जी के कारण इंसान का माइंड और बॉडी दोनों ही एक साथ अलर्ट हो जाते हैं। और फिर अब यह आपकी चॉइस पर ही डिपेंड करता है कि आप इस प्राण ऊर्जा को किस काम में यूज करना चाहते हैं। इसलिए अगर आपको भी अपने शरीर में हमेशा ही एनर्जी की कमी महसूस होती रहती है तो आप इस हैंड मुद्रा को जब चाहे तब कर सकते हैं और तुरंत ही बहुत सी एनर्जी को अपने शरीर के अंदर पैदा कर सकते हैं। और अब अगर अगली कीमती मुद्रा की बात करें तो यह मुद्रा ध्यान मुद्रा कहलाती है। और इस मुद्रा को बनाने के लिए आपको अपने दोनों हाथ के अंगूठे को टॉप से एक दूसरे से टच कराना होता है और सीधे हाथ की उंगलियों को उल्टे हाथ की उंगलियों के ऊपर रेस्ट करते हुए रखना होता है। और अगर इस मुद्रा के फायदे की बात करें तो इस मुद्रा को करने के भी बहुत बड़े फायदे किसी को होते हैं, खास तौर से उनको जिनको ध्यान करने में कुछ ज्यादा ही परेशानी महसूस होती है, क्योंकि जैसे ही वे ध्यान करने लगते हैं तो उनका माइंड और भी ज्यादा उनको अपने विचारों के माध्यम से भटकाने लगता है। लेकिन अगर कोई इस मुद्रा को करता है तो वह बहुत ही जल्दी बहुत गहरे ध्यान में अपने आप को ले जा सकता है और अपने अंदर उस परम शांति को महसूस कर सकता है जिसको कोई अगर एक बार भी महसूस कर ले तो उसको ही बार बार पाना चाहता है। और अब अगर अगली मुद्रा की बात करें तो यह सूर्य मुद्रा कहलाती है, जिसको करने के लिए तीसरी नंबर की उंगली को नीचे की ओर मोड़कर उसको अंगूठे से हल्का सा दबाकर रखना होता है। और अगर इस हैंड मुद्रा को करने के फायदों की बात करें तो यह मुद्रा शरीर के अंदर गर्मी को बढ़ाकर डाइजेशन मूड आदि को इम्प्रूव करना शुरू कर देती है और जितना भी भारीपन किसी को अपने पेट में महसूस होता रहता है वह तुरंत ही खत्म होना शुरू हो जाता है और साथ ही पेट संबंधी बीमारियां भी खत्म होने लगती है, क्योंकि ज्यादातर बीमारियां लोगों को खराब डाइजेशन के कारण ही परेशान करती है। और साथ ही यह इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाने का काम करती है। और अब अगर अगली कीमती हैंड मुद्रा की बात करें तो यह गणेश मुद्रा कहलाती है और इसको करने के लिए दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में लॉक करते हुए अपनी चेस्ट के करीब ही पकड़ना होता है और इसमें आपको एक बार सीधे हाथ को अपनी चेस्ट की ओर लाना होता है तो दूसरी बार उल्टा हाथ आपकी चेस्ट की ओर होना चाहिए और ऐसा आप कई बार कर सकते हैं। और अब अगर इस मुद्रा के फायदों की बात करें तो इसका अंदाजा तो आप इसके नाम से ही लगा सकते हैं, क्योंकि अगर गणेश जी का नाम यहाँ आया है तो श्योरली यह आपके रास्ते में आने वाली मुसीबतों को ही खत्म करने का काम करेगी। लेकिन अब आप यही सोच रहे होंगे कि आखिरकार यह मुद्रा ऐसा करती कैसे है। तो आप जानते हो कि जब इस मुद्रा को बनाया जाता है तो इस मुद्रा में हाथ की सारी उंगलियां अंगूठे को छोड़कर एक दूसरे से मिल जाती है, जिसकी बदौलत आपके वे सारे एलिमेंट बैलेंस होने लगते हैं जो सबसे ज्यादा डिसबैलेंस होकर परेशानियां खड़ी करते हैं, जिसमें एयर, ईथर, अर्थ और वाटर प्रमुख होते हैं। वे सारे के सारे एक साथ ही बैलेंस्ड हो जाते हैं। साथ ही ये मुद्रा हार्ट चक्र को बैलेंस और क्लीन और एक्टिवेट करने का भी काम करती है, जिसकी बदौलत ही कोई अपने अंदर तुरंत ही वे सारे पॉजिटिव इमोशंस को महसूस करने लगता है जो उसकी सोच और एहसास को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का काम करते हैं। और इस प्रकार जब किसी के अंदर सारे पॉजिटिव इमोशंस ही काम करने लगते हैं तो तब उसकी और जो विचार अट्रैक्ट होते हैं वे भी सारे के सारे पॉजिटिव और कीमती ही होते हैं, जिनके बेस पर ही ऐसा इंसान अपने अंदर अनस्टॉपेबल कॉन्फिडेंस को महसूस करना शुरू कर देता है और इसी कारण से उसके सामने चाहे जितनी भी प्रॉब्लम हो वे सब की सब छोटी रह जाती है और वह उन सब को बड़ी ही आसानी से या तो सॉल्व कर जाता है या उनको बाईपास ही कर जाता है, लेकिन वह उनसे अपने आप को हर तरह से बाहर जरूर निकाल लेता है। तो अब शायद आप इस मुद्रा के कमाल के फायदों के बारे में जान ही गए होंगे। तो ये थी कुछ कीमती मुद्राएं जिनका आपको हेल्दी लाइफ को जीने के लिए पता होना ही चाहिए। वैसे अभी कुछ और भी कीमती मुद्राएं बाकी हैं, उनको भी जल्दी जानेंगे। तो अब आपको क्या करना है, आप काफी समझदार हैं।